हो राज। हिंदुस्तानियों से सबको आजादी की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आजादी की मुबारकबाद का मतलब ये है कि हमको जो आजादी मिली वो मुसलसल कोशिशों के बाद मिली। और यहाँ जो जश्न मनाने का मकसद है, चाहे वो 14 तारीख की 14 अगस्त की रात को हो, चाहे 15 अगस्त को झंडा वंदन का हो, मकसद ये था कि पहले माजी में यहाँ पर किसी तरह का जश्न मनाने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से यहाँ संविधान का प्रियम्बल बना है उसके बाद से हमारे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोगों को एक जगह मिल गई है जहां वो अपने ही हुकूल वतनी का इजहार करते हैं। खास तौर पे ये जगह पर झंडा वंदन करना और शहर के लोगों को जमा करने का मतलब ये है कि जो शहीदों की यादगार यहां बनी है वो शहीदों की यादगार में शहीद होने वालों के बारे में मालेगांव शहर के लोग जाने। ये तारीख का एक सुनहरी बाब है, जब आजादी से पहले मालेगांव शहर में आजादी हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया था और मालेगांव शहर एक वाहिद शहर था जहां मुसलसल अकलियत के समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, फांसी लगवा के दी थी। अगर यहां मेला नहीं लगेगा, यहां लोग जमा नहीं होंगे, तो याद रखो जिस तरह तारीख में हिस्ट्री में हमारा नाम खत्म कर दिया जा रहा है, उसको यहाँ की जिस लोगों की शहादत है उसको भी भुलाने का काम किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को जमा करने का मकसद ये रहता है कि आप अपने वर्षे को जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई, लोगों ने अपना माल लगाया, उनको तुम याद रखो कि अगर मुस्तकबिल में कोई तुमसे पूछता है कि आजादी में तुम्हारे लोगों ने क्या किया तो तुम उनको जवाब दे सको। अगर झूठ इतना बोला जाता है मुसलसल कि लोग सच को भूलने लगते हैं, इसीलिए यहाँ लोगों को जमा किया जाता है। चंद सालों से ऐसा हो गया है हिंदुस्तान में कि हमारे लिए दूसरे मौके हो गए हैं, दूसरों के लिए दूसरे मौके हो गए, और ऐसा बताया जाता है हमारी खामोशी को, हमारी शराफत को, हमारी सादगी को ये बताया जाता है कि हमारे अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है। लेकिन यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि हम हमारी हुब्बुल वतनी बताएं, हम ये जताएं कि हमने क्या हिस्सा लिया था आज़ादी में। आप ये समझ लो कि हिंदुस्तान की आज़ादी में न सिर्फ एक मजहब का बल्कि तमाम मजहब का बड़ा हिस्सा रहा है, और मजहब इस्लाम ने तो ये तलकीन की है कि हुब्बुल वतनी हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी अपने देश से मोहब्बत। कोई मजहब ये नहीं सिखाता सिवाय इस्लाम के कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहो और अपने मुल्क के लिए पाबंद रहो। वाहिद मजहब है जो हमको ये बताता है कि तुम जहाँ पैदा हुए हो वो भले ही अक्सरियत में तुम हो चाहे अकलियत में तुम हो, लेकिन अपने मुल्क के साथ प्यार करो, वफादारी करो, ये हमारे मजहब का एक जुज़ है। आप देखेंगे मुकम्मल दस्तूर बना। दस्तूर का मतलब ये था, आज आप देखते होंगे हम हमारे दस्तूर को भूल जाएंगे अगर हम हमारे दस्तूर में लिखी हुई बातों पर गौर नहीं करेंगे, तो समझ लो तुम्हारी आज़ादी भी खतरे में आ जाएगी। आज़ादी हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो और वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है कि हमको यकसा मौके मिलेंगे हर चीज़ के, मजहबी आज़ादी के, तालीम हासिल करने के, और तमाम मौके और आज़ादी सब हिंदुस्तानी के लिए बराबर होगी चाहे वो किसी भी मजहब का हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने दस्तूर को समझना होगा, और ख़ास तौर पे अकलियत को जो हिंदुस्तान में आबादी में कम है उनको अपना दस्तूर समझना चाहिए। और उसके लिए सबसे अहम है तालीम का होना। मालेगांव शहर के लोगों से मेरा ये कहना है कि अपने अंदर, अपने घरों में, अपने अतराफ में आला तालीम को पैदा करो, आला तालीम का जोर बनाओ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करो, थिंकिंग हाई करो।
जब हम ऊंचा सोचेंगे ऊंचे तब बनेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसके लिए सबसे जरूरी आने वाली नस्लों में तालीम के लिए कोशिश होना चाहिए। और जो मालेगांव शहर एक नशे की तरफ जा रहा है उस नशे से निकालने के लिए हमको खुद जिम्मेदारी अपनी निभाना पड़ेगी कि हमको खुद सोच लेना पड़ेगा कि जो लोग नशा करते हैं उनको ठीक करने का उनको सुधारने का काम हम करेंगे। अगर आप लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर नशे को खत्म करने के लिए कोशिश नहीं की तो समझ लो आने वाली मुस्तकबिल में मालेगांव शहर बहुत बड़े खामियाजे की तरफ जाएगा। पूरा पूरा शहर पूरा पूरा घर मुतला हो जाएगा और हादसात वाकयात और जुराम बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर पर जमा होना वो पैगाम है न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कि हम जब एक जगह जमा होते हैं और एक तादाद में जमा होते हैं तो समझ लो इंकलाब की शुरुआत होती है। मालेगांव शहर में हमारा जमा होना इस बात की तारीख और इस बात का मुस्तकबिल रहेगा कि मालेगांव शहर जिंदा था जिंदा है और जिंदा रहेगा। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट।